आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो आपको सेफ्टी इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके एरिया में अगर फ्रेजल रूप का अगर काम हो रहा है तो उस वक्त जो है आपने कौन से दो प्रिकॉशन जो है लेना काफी जरूरी है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो कि वार्निंग नोटिस जो है यहाँ पर डिस्प्ले करना जरूरी है ताकि पर्सन्स को यहाँ पर वार्न किया जा सके फ्रेजल रूप कंडीशन के बारे में। दूसरा पॉइंट इसमें है कि क्राउलिंग बोर्ड या फिर लैडर का भी जो है आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है जब भी आप फ्रेजल रूप के ऊपर काम करते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि अगर लोग जो है वो अगर डीप ट्रेंच में अगर काम कर रहे हैं तो उस वक्त जो है क्या प्रिकॉशन लेना यहाँ पर जरूरी है। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि एडिक्वेट शोरिंग यहाँ पर जरूरी होती है या फिर साइड्स में इसके स्लोप होनी चाहिए ताकि हम सॉइल के कोलैप्स को यहाँ पर प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क साइट पर कोई भी जो एक्सकैवेशन है उसका अगर आपको डिगिंग करना है तो उसके पहले जो है आपने ये चीज करना काफी जरूरी होता है, तो वो क्या है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि जब भी हमें एक्सकैवेशन करना है तो उस वक्त जो है हमें ये इंश्योर करना होता है कि अंडरग्राउंड जो भी सर्विसेस है जैसे कि ड्रेन्स हो गया, मेन्स हो गया या फिर पावर लाइन्स हो गया, तो वो वहां पर ब्रेक नहीं होगा या फिर वो डैमेज नहीं होगा। तो इस चीज को जो है हमें यहाँ पर इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड जो टूबोर्ड होता है वो किसके लिए होता है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म से जो भी लूज मटेरियल है उसको वहां पर प्रिवेंट किया जाए, इसलिए हम वहां पर टूबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ पर्सन वहां पर स्लीप या फिर रूल आउट ना हो वो भी गार्ड रेल के नीचे से, तो उसके लिए भी हम टूबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हर एक के लिए कौन से टाइप का जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर जरूरी होता है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी शूज। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि बिल्डिंग साइट्स के ऊपर हम हार्ड हैट यानी कि जो सेफ्टी हेलमेट है उसको हम क्यों पहनते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर देना है कि इसकी वजह से जो है जो भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए हम सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ किसी भी स्ट्रक्चर को हमारा जो सर है वो वहां पर स्ट्राइक ना हो या फिर अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वहां पर ना हो, तो इसके लिए जो है हम हार्ड हैट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी वर्क एट हाइट पर अगर स्कैफोल्डिंग जो है वो वहां पर इम्पॉसिबल है यानी कि उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त जो है ऐसे कौन से दो प्रिकॉशन जो है वो आप ले सकते हो ताकि वर्कर को जो है आप यहां पर सेफगार्ड कर सको। तो इसके लिए जो है आपको आंसर देना है कि हम जो है यहाँ पर सेफ्टी नेट का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा है कि हम यहाँ पर सेफ्टी बेल्ट का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दो प्रिकॉशन है ये आप बता सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एक्सकैवेशन या फिर फ्लोर की जो ओपनिंग है तो उसके लिए जो है हमने ऐसे कौन से दो एक्शन लेना यहाँ पर काफी जरूरी होता है। तो इसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि सबसे पहले जो है हाइट बैरिकेशन करके उसको कवर अप कर सकते हैं और दूसरा है कि हम वहां पर वार्निंग नोटिस जो है वो भी वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जो दो एक्शन है हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर जो हम गार्ड रेल लगाते हैं तो उसकी हाइट जो है वो क्या होनी चाहिए, वो भी एज पर कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन के अनुसार। तो इसका आंसर ये है कि गार्ड रेल की जो हाइट है वो 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0.95 मीटर से जो है कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जब भी पर्सन को वाटर के ऊपर में अगर काम करना है तो उस वक्त जो है ऐसे कौन से सेफगार्ड का जो है आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे दो सेफगार्ड जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें सबसे पहला है कि जो भी पर्सन यहाँ पर पानी के ऊपर जो काम कर रहे हैं तो उन सभी ने जो है लाइफ जैकेट का यहाँ पर इस्तेमाल करना है और दूसरा पॉइंट ये है कि उस काम के नजदीक में जो है वहां पर बोट भी हमेशा होनी चाहिए ताकि इनकेस ऑफ इमरजेंसी में हम उसका इस्तेमाल कर सके। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ट्रेंच के अंदर अगर ट्रेंच बॉक्स है तो उस वक्त उस ट्रेंच के अंदर इंटर करने का कौन सा ऐसा करेक्ट वे है। तो उसके लिए आप आंसर दे सकते हो कि ट्रेंच बॉक्स के अंदर जो है एक फिक्स वर्टिकल लैडर जो है वहां पर फिट होनी चाहिए और जब भी हमें ग्राउंड लेवल पर अगर आना है तो वो जो लैडर है वो हमेशा 1 मीटर जो है अबाव एक्सटेंड होनी चाहिए, वो भी जहां पर स्टेपिंग प्वाइंट है उसके ऊपर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग को कब इंस्पेक्टेड करना चाहिए वो भी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा। तो इसके लिए जो है आपको 4 ओकेशंस बताने हैं। तो इसमें आप बता सकते हो कि जब भी हम स्कैफोल्डिंग नहीं बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल करने से पहले जो है उसको क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा इंस्पेक्ट करना जरूरी है। फिर उसके बाद है कि उस स्कैफोल्डिंग में अगर सब्सटेंशियली कोई अगर एडिट करते हैं यानी कि कोई अगर उसमें मॉडिफिकेशन अगर करते हैं तो उस वक्त भी जो है हमें क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा उसको इंस्पेक्ट करना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है कि वो जो स्कैफोल्डिंग है
वो अगर एक्सपोज होती है किसी भी सेवर वेदर कंडीशन से, तो उस वक्त भी जो है क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा उसको इंस्पेक्ट करना होता है। और फोर्थ पॉइंट है कि किसी इक्विपमेंट के द्वारा अगर स्ट्रक हो जाता है उस स्कैफोल्डिंग के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी जो है उस स्कैफोल्डिंग को क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा इंस्पेक्ट करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि स्कैफोल्डिंग का जो सेक्शन है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो रिमूव कर सकता है क्या, जब भी उसके जॉब के वे में अगर वो आता है तो? तो इसके लिए आपको आंसर देना है नो, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो स्कैफोल्डिंग का जो सेक्शन है उसको रिमूव नहीं कर सकता है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का कोई भी सेक्शन अगर रिमूव अगर हो जाता है तो उसकी वजह से वो जो इंटायर स्कैफोल्ड है उसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई भी सेक्शन अगर वहां पर रिमूव करना है तो उसके लिए जो है ऑथोराइज पर्सन वहां पर है, जैसे कि कॉम्पिटेंट जो स्कैफोल्डर है वही जो है उसको रिमूव कर सकते हैं, और उसको रिमूव तभी करना है जब उस काम का जो है वर्क परमिट सिस्टम जो है वहां पर अवेलेबल है। और अगर विदाउट परमिट अगर कोई भी पर्सन अगर उसको रिमूव करता है तो वो यहाँ पर क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि टूबोर्ड की मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर है 6 इंच या फिर 150 mm। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटीज है, तो उसमें से उसकी 3 जो ड्यूटीज है उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें आप बता सकते हो कि कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइज करना कि जो भी रिलेवेंट स्टैट्यूटरी जो भी प्रोविजंस है तो उसके साथ में जो है वो कैसे कंप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट आप बता सकते हो कि जो भी रिलेवेंट स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस है तो उसके जो भी कंप्लायंस है वो साइट पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या, तो उसके बारे में जो है उसको सुपरविजन करना है। तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि कोई भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले वहां पर अकॉर्डिंग टू वर्क नेचर के अनुसार वहां पर डीबीटी जो है वो कंडक्ट की गई है क्या, उसको भी वहां पर इंश्योर करना है। फोर्थ पॉइंट में आप बता सकते हो कि जो भी सेफ्टी एडवाइजर है जिसको वहां पर अपॉइंट किया गया है वो भी अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अनुसार वहां पर उस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उनको भी जो है वहां पर कोऑपरेट करना है। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।